जय जीवदानी प्रभा साक्षी के दर्शकों को मैं कामिनी खन्ना तहे दिल से करती हूँ अभिवादन, स्वागत करती हूँ आपका। एक बार फिर आपको बताने आ गई हूँ 1 अगस्त 2019 से लेकर 15 अगस्त 2019 तक क्या क्या होगा एस्ट्रोलॉजिकली। और वैसे बता दूं कि पूरी इंडिया में चल रहे हैं श्रावण मास, और श्रावण मास लग जाता है गुरु पूर्णिमा के बाद, जो नॉर्थ इंडिया में माना जाता है। लेकिन जब बात आती है महाराष्ट्र की, तो जो पूर्णिमा के बाद आती है अमावस्या, दर्श अमावस्या, उससे मानते हैं महाराष्ट्र में श्रावण मास को। तो वह श्रावण मास लगने वाला है 1 अगस्त से, और फिर शिव जी की पूजा होगी। शिव जी की पूजा कैसे करेंगे आप? शिव जी को चढ़ाएंगे जल, उसके बाद दूध मिश्रित जल, उसके बाद फिर से जल, गंगा जल। इसके बाद आप शिव जी को चंदन लगा सकते हैं, आप शिव जी पर हल्दी डाल सकते हैं, आप चावल चढ़ा सकते हैं, फिर सात अनाज चढ़ा सकते हैं, सफेद फूल चढ़ा सकते हैं, शिव जी को आप चढ़ा सकते हैं केले का भोग और साथ में खीर का भोग, वस्त्र सफेद चढ़ा सकते हैं, कपूर से आरती कर सकते हैं, नारियल चढ़ा सकते हैं, हार फूल चढ़ा सकते हैं, बेल पत्र चढ़ा सकते हैं, राम राम लिख के या ओम नमः शिवाय लिख के। और ये हो गई शिव जी की पूजा। इसके बाद आरती होगी शिव जी की, और आप एंजॉय करेंगे शिव जी की ये पूजा सावन भर। तो ये थी शिव जी की पूजा जो मैंने संक्षेप में बताई आपको सावन में। आइए चलिए हम जानते हैं इस 15 दिन में क्या होने वाला है, 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक। सबसे पहले 1 अगस्त को बुध मार्गी हो जाएंगे, तो जो मिथुन राशि और जो कन्या राशि वाले उनको बड़ी राहत होगी, और दूसरी राशि वालों को भी राहत होने वाली है। वो मैं बाद में आपको बताऊंगी, पूरा ब्यौरा दूंगी कि बुध मार्गी होने पर और बुध कर्क में जाने पर। सब पहले सुन लीजिए आप। तो गुरु पुष्यामृत योग है 1 अगस्त को, और सुबह सूर्योदय से दोपहर 12:11 तक श्रावण मास का आरंभ हो जाएगा। 2 अगस्त को बुध कर्क में देर रात को प्रवेश कर जाएंगे। 3 तारीख को मधुस्रवा तीज है और सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 3:17 पर। तो सूर्य भी रिलैक्स हो जाएंगे, सूर्य शनि के नक्षत्र में थे, अब बुध के नक्षत्र में जाके रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद 4 तारीख को आएगी विनायक चतुर्थी, 5 तारीख को नाग पंचमी, तो नागों की पूजा होगी। वैसे जीवंत नाग की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये मानवता के खिलाफ है, उनको तंग नहीं करना चाहिए, और पशु पक्षी किसी को भी, और आप प्रतीक स्वरूप नाग की पूजा कीजिए तो उसमें ज्यादा आनंद है। और इसी दिन शिव जी को महाराष्ट्र में शिवलिंग पर चावल चढ़ेंगे। 7 तारीख को है शीतला सप्तमी, इस दिन ठंडा खाते हैं कई लोग। और 8 तारीख को है मासिक दुर्गाष्टमी, इसी दिन मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो नीच के मंगल हट रहे हैं। 11 तारीख को है गुरु मार्गी, और गुरु मार्गी होने पर धन राशि और साथ में मीन राशि वालों को बहुत रिलैक्सेशन होगी, और दूसरे राशि वालों को क्या होगा तो मैं अभी बताऊंगी आपको। लेकिन मंगल के भी नीच के हट जाने पर मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों को काफी आराम मिलेगा। 12 तारीख को है सोम प्रदोष, और सोमवार के दिन जो प्रदोष का व्रत पड़ता है तो उस दिन सोम प्रदोष माना जाता है, और बच्चों की भलाई के लिए ये व्रत किया जाता है। इस दिन शिव जी को तिल चढ़ेंगे मुट्ठी भर के, और इसी दिन मुसलमान भाई जो है हमारे बकरी ईद मनाएंगे। 14 तारीख को नारी पूर्णिमा है, नारियल पूर्णिमा, दोपहर 3:45 के बाद। तो दोपहर 3:45 के बाद आप कहते हैं ना समुद्र में जाके नारियल छोड़ते हैं, जो हमारे कोली भाई हैं जो के मछुआरे हैं वो जाके और पूर्णिमा को मनाते हैं। 15 तारीख को है रक्षाबंधन, और जय भारत, समझ गए ना अब, तो हमारा स्वतंत्र दिन भी है 15 अगस्त को, और इस दिन आप एंजॉय कर सकते हैं अपने स्वतंत्रता दिवस को। जगह जगह झंडा वंदन हो रहे होंगे, आप भी सलामी दे के आइएगा अपने देश को, और अपने देश के लिए कुछ कीजिए, ऐसी मेरी मंशा है। इसी दिन पूर्णिमा शाम 5:58 पर खत्म हो जाएगी। तो आइए चलिए, अब बहुत सारे ग्रह बदल गए, बुध कर्क में चले गए, मंगल सिंह में चले गए, गुरु मार्गी हो गए, हम जानते हैं क्या असर पड़ा मेष से लेके मीन राशि वालों पर। मेष राशि के लिए बुध जब कर्क में प्रवेश कर जाएंगे तो एक क्योस सा बनेगा चतुर्थ में आप लोगों के लिए, और घरेलू सुख सुविधाएं होते हुए भी नहीं लगेंगी आपको, बहुत सारे काम आपको घर के लिए करने पड़ेंगे, आपकी माता से रिलेटेड तबीयत की थोड़ी परेशानी रहेगी आपको, और जो मंगल
8 तारीख को जब खिसकेंगे तो मेष राशि वालों को काफी राहत होगी, थोड़ा सा गुस्सेबाज बनेगा माइंड और एग्रेसिव हो जाएंगे, और गुरु के मार्गी होने पर आपके भाग्य में वृद्धि होगी। अचानक से आपको कुछ अच्छा तबीयत का संदेशा मिलेगा कि अच्छा आपकी तबीयत तो ठीक हो रही है, आपके तो सारे रिपोर्ट्स ठीक है, ब्लड रिपोर्ट्स, तो आपके जो पार्टनर हैं विवाहित जीवन में जो कलह था वो भी दूर होगा और प्रेम संबंधों में जो बाधा थी वो भी दूर होगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए परिवार में आपके थोड़ा सा केओस रहेगा छोटे भाई बहनों के साथ, और आपकी वाणी में भी थोड़ी सी आप घबराए हुए बात करेंगे, थोड़ा ध्यान रखिए अपना। अभी मंगल के सिंह में आने से आपको थोड़ा सा अपनी माता के क्रोध से बचना पड़ेगा, अरे आपको भी तो क्रोध आता है तो मातों को आ गया तो क्या हो गया। और साथ में आक्रामक स्वरूप से आप घर में जमीन जायदाद इन सबकी देखभाल करेंगे, गुरु के मार्गी होने पर आपको विवाहित जो जीवन की खुशियां मिलेंगी, और अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस सही हो जाएगी और पैसे भी मिलेंगे, आपको लाभ भी होगा। अब एक बात ध्यान में रखिए कि अभी शुक्र अस्त होने वाला है तो शादियां स्थगित की जाएंगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्न के मार्गी होने पर और कर्क में जाने पर काफी रिलैक्स होंगे आप, और ये कर्क में जो बुध जाएगा इसकी वजह से जो चतुर्ग्रही योग बना है इसमें आपको कुछ खास परेशानी नहीं होगी, आपको पहले से अपेक्षा आप जो मार्गी हो गया तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिलेगा, और मंगल के सिंह में जाने से काफी रिलैक्स होंगे आप, तबीयत अच्छी होगी आपकी, आपके आक्रामक स्वरूप से यात्राएं खुलेंगी, आपको बुलाया जाएगा काम के लिए यात्राओं में, और जो गुरु मार्गी हो जाएगा उससे आपका काम और भी जोर से खुलेगा और आपके विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश था वो कम होगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए लग्न में चतुर्ग्रही योग बनेगा तो आप कंफ्यूज से केओस सा कि ये भी करना है वो भी करना है ऐसा भी करना है वैसा भी करना है, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा शांति से सोचिए, 8 अगस्त के बाद सारी स्थितियां क्लियर होंगी, काम के विषय में भी और माइंड भी आपका कूल होगा, आपके बच्चों के साथ आपकी पटेगी और गुरु के मार्गी होने पर आपके बच्चे सत्मार्ग में लग जाएंगे, आपकी पढ़ाई उनकी पढ़ाई इन पर प्रकाश पड़ेगा और आपके भाग्योदयकारी संदेश फिर से आना शुरू हो जाएंगे, काम खुलेगा। सिंह राशि, आपके लग्न में जब मंगल आ जाएगा तो आप थोड़े गुस्सेबाज और डोमिनेटिंग तो होंगे लेकिन आप काम अच्छा करेंगे और आपके भाग्योदयकारी संदेश फिर से शुरू हो जाएंगे जो इतने दिन से बंद थे, और बुध के द्वादश में आने से थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो सकता है बेफजूल का, उसको उससे बचिए, परिवार में भी आपके खर्चा हो सकता है और बेफजूल बोलेंगे आप उससे भी बचिए आप, और मैं ऐसा कहूंगी आपको कि आपकी तबीयत का अब आपको कुछ ना कुछ निदान मिलेगा और घरेलू समस्याएं दूर होंगी। कन्या राशि, आपके लिए अब जाकर थोड़ा सा रिलैक्सेशन का पीरियड और आपके काम काज थोड़े सही तो होंगे लेकिन जो पैसा आया था काम से उसको आप उड़ाने की कोशिश करेंगे वो मत कीजिएगा, और दूसरी बात आपके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और आपके छोटे भाई बहनों से उमंग उत्साह लेजीनेस ये सब जो था आपको वो सब अब खत्म होने जा रहे हैं 8 अगस्त से, तो उसके बाद आपकी यात्राएं भी अच्छी खुलेंगी और आप बेटर फील कर पाएंगे अपने घरेलू मामलात को भी लेकर, लेकिन शुक्र के अस्त होने पर ये सब संभव थोड़ा सा मुझे कठिन लगता है, तो आपको साथ साथ में माँ काली की आराधना करनी चाहिए। अब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो गुरु मार्गी होंगे तो आपके घरेलू जो झंझट झमेले हैं उसमें कमी होगी और साथ में आपकी शुभ यात्राएं फिर से शुरू होंगी। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अस्त हो चुका है तो आपको ध्यान रखना है माँ लक्ष्मी की पूजा दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहने, लेकिन इसी बीच बुध कर्क में आ रहा है तो आपको काम में भी सजग होना पड़ेगा, लेकिन 8 तारीख के बाद ये 6-7 दिन की बात है कि जो आप बहुत बेचैन महसूस करेंगे, लेकिन 8 तारीख के बाद आपको विवाहित जीवन में सपोर्ट, आपके परिवार से सपोर्ट, आपकी वाणी में वो धन आगमन ये सब होगा, तो घबराइए नहीं, आपकी स्थितियां पहले से बेटर होंगी, लेजीनेस दूर होगी, आक्रामक स्वरूप से फिर से काम करने का मन करेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए अब लग्न में गुरु जब मार्गी होगा 11 तारीख को तब आप बेटर फील करेंगे, शादी के योग खुलेंगे, अभी आप घबराए हुए थे भाग रहे थे इधर उधर वो भी कम होगा, आपके विरोधी भी 8 तारीख के बाद कम हो जाएंगे और थोड़ा सा आपको लोन्स वगैरह खुलेंगे, आपके अपनी तबीयत के विषय में भी डिसीजंस गलत हो रहे थे वो ठीक होंगे, आपके जो माइंड के क्योस थे और
जो आपके बच्चों के विषय में आपको चिंताएं थी वो भी दूर होंगी। धनु राशि, आपके लग्न के स्वामी बहुत दिनों से वक्री थे, तो आप बहुत ही चुप और उदास, अंदर से किसी को ना भूलने वाले इस प्रकार के बन गए थे। अब आप थोड़ा सा बेटर फील करेंगे और आपका माइंड भी एकदम से चैतन्य में आ जाएगा। आपको प्रेम संबंधों में भी फायदा होगा, विदेश रिलेटेड यात्राओं की योजनाएं बनेंगी, खर्च होंगे शुभ आपके घर पे और तबीयत भी थोड़ी बेटर महसूस होगी। बस शुक्र के अस्त होने की वजह से आप अपना पैसा संभालिएगा। मकर राशि, आपके लग्न का स्वामी अभी तो अस्वस्थ है लेकिन बाकी सारे ग्रह हैं वो ठीक होने जा रहे हैं। अब बुध के सप्तम में आने से आप थोड़ा सा व्यवसायी रीत से सोच सकते हैं, बट आपको विवाहित जीवन में 7-8 दिन संभालना है क्योंकि उसके बाद तो अष्टम में जब मंगल आएंगे तब भी आप झगड़ालू और क्रोधी और विवाहित जीवन में कला क्लेश करने की कोशिश करेंगे और ना कीजिएगा। माता की तबीयत का ध्यान रखिएगा। आपकी यात्राएं खुलेंगी, बेटर फील करेंगे विदेश रिलेटेड यात्राओं में, इंडोर यात्राओं में, और खर्चे आपके जो अंधाधुंध हो रहे थे वो कम होंगे। कुंभ राशि, आपके लग्न का स्वामी वैसे केतु के साथ अस्वस्थ है और शुक्र अस्त है, उस वजह से आपके काम वाम भी थोड़े से बंद हैं, लेकिन आपके डिसीजंस जो आप भ्रमित होकर ले रहे थे और जो सपोर्ट भी आपको मिल रहा था वो अब सपोर्ट खत्म होने वाला है, तो डिसीजंस 7-8 दिन कम से कम अपने डिसीजंस सही कीजिए, उसके बाद तो आपको बेटर स्थिति महसूस होगी। मंगल के सप्तम में आने से आपके वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश हो सकता है और झगड़े फसाद ज्यादा ना पड़े इसका ध्यान रखिए, तबीयत का भी ध्यान रखिए। हाँ, गुरु के मार्ग होने पर आपको धन लाभ थोड़ा हो सकता है, पैसे आएंगे और परिवार में थोड़ी खुशी छाएगी। मीन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अब स्वस्थ होने जा रहा है, पहले से बेटर फील करेंगे, आपके काम की भी स्थिति बेटर होगी और इसके साथ साथ आपको भाग्योदयकारी संदेश 8 तारीख के बाद आएंगे, पैसा खुलेगा, बड़े भाई बहनों से फायदा होगा। शुक्र अस्त होगा तो तबीयत संभालिएगा थोड़ा, शुगर वगैरह से रिलेटेड, और यात्राओं में सावधान रहिएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको तारीख 1 अगस्त 2019 से लेके तारीख 15 अगस्त 2019 तक का एक जायजा ओवरऑल ग्रहों का, और जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए आपको ये सावन बहुत मुबारक हो, शिव जी की पूजा आपको अति सुखद मिले और आप सभी को स्वतंत्र दिन की मंगल शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।